एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वो ब्राह्मण रोज जब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा नहीं कर लेता था तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। पूजा से जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी उसी से वो ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण दयालु भी था। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा करता था। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उससे चिढ़ती थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती थी, इसीलिए कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वो आस पड़ोस में काम करके जुटा लेती थी। मंदिर में दान दक्षिणा कमाने लगी जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी थोड़ी सी दुखी रहने लगी थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी ब्राह्मण हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। सौभाग्यवश उसी समय उस रास्ते से माता पार्वती और शिव जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज ब्राह्मण महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। उसकी उदासी देख कर पार्वती जी सब कुछ समझ गई और शिवजी से बोली, हे स्वामी, ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है? माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जिस पर माता ने शिवजी से कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की? ये सुन भगवान शिव ने कहा, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनवान बना देगा। इसके बाद पार्वती जी और शिव जी वहां से आगे बढ़ गए। किंतु संयोग से उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव पार्वती की सारी बातें सुन ली। उसके बाद उसने सोचा कि अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। यही सोच वो ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र पूजन में चढ़ाए हैं वो सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन जरूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बिल पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए, जिसके बाद बिलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गया और धनपति बनने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। तब एक चमत्कार हुआ, सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने सेठ से कहा, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जाकर दियाओ, तभी तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातः काल जब ब्राह्मण पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ का हाथ शिवलिंग से चिपका हुआ है और वो रो रहा है। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। ब्राह्मण ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दिया, जिसके बाद वो मुक्त हो गया। अब पार्वती जी शिव जी से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहां धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है।